मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोया करने वाले सिमसन कार्टून और नजूमी खतून बाबा वंगा ने एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए 2023 को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया है। और क्या 2023 में पाकिस्तान इनकी पेशन गोयों के मुताबिक डिफॉल्ट होने वाला है? आज हम 2023 के हवाले से की जाने वाली पेशन गोयों का जिक्र करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। अगर सिमसन कार्टून की बात की जाए तो इसकी एक एपिसोड में दुनिया की और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को कई साल पहले ही दिखा दिया गया था। और ये पेशन गोई की गई थी के 2023 में पूरी दुनिया महंगाई के अजाब में फंस कर रह जाएगी और ये सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पेश होगी। सिम्पसन की एक एपिसोड में एक किरदार ह्यूमर नामी ने सिम्पसन को बताया कि 2023 में दुनिया की बड़ी आबादी गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सामना करेगी, जिससे दुनिया में हर तरफ महंगाई हो जाएगी और महंगाई के इस तूफान में अमेरिका और दुनिया के दूसरे छोटे बड़े ममालिक जर्द में आ जाएंगे। इसी एपिसोड में ये भी बताया जाता है कि 2023 तक लोकल फार्मिंग खत्म हो जाएगी और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लग जाएंगी और मुल्क मुल्क एहतजाज होंगे, यहाँ तक कि अशिया की कमी हो जाएगी। और ये सिर्फ एक मुल्क में ही नहीं बल्कि अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो सच में पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आ चुकी है। न्यूजीलैंड जैसा मुल्क भी इस महंगाई के तूफान की जद में आ चुका है, जिसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है। हालिया दिनों में टाइम मैगजीन ने भी डिफॉल्ट होने वाली कंट्रीज की लिस्ट जारी कर दी है। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। आइए देखते हैं कौन से ममालिक इस लिस्ट में शामिल हैं जो डिफॉल्ट होने के करीब हैं। इन्हीं ममालिक में सबसे पहले आता है यूक्रेन कंट्री, जो इस चलते हालात में दिवालिया होने के खतरे से दोचार है, क्योंकि मॉर्गन और अमुंडी जैसे बड़े सरमायाकारों ने खबरदार किया है कि रूस के हमले के नतीजे में यूक्रेन को तकरीबन 20 अरब डॉलर की रीइंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और इसके बाद ट्यूनिस को सबसे ज्यादा दिवालियापन के खतरे का सामना है, क्योंकि ट्यूनिस सबसे ज्यादा IMF के पास जाने वाले अफ्रीकी ममालिक में शामिल है, इसलिए इस कंट्री पर वे बेहद कर्ज से चढ़ चुके हैं जिनकी अदायगी नामुमकिन लग रही है। इसलिए ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही ये मुल्क भी श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो जाएगा। इसके अलावा मिस्र के हालात भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मिस्र के कर्जे और GBP का तनासब 95% के करीब है और इसने पिछले साल बैन अक्वामी रकम का सबसे ज्यादा अखराज देखा है। इन ममालिक के बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मशीयत का दिवाला होने के करीब है, क्योंकि अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सर मुबादला के जखीरे कम हो गए हैं और जनवरी के होने वाले बड़े ब्रेक डाउन मुश्किल में मजीद इजाफा कर दिया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को जर मुबादला की शदीद किल्लत का सामना है और कारोबार को भी जारी रखना मुश्किल है, जबकि मुल्क में जर मुबादला के जराए 5 मिलियन डॉलर से भी कम रह गए हैं, जो एक महीने की दरामद से भी कम है। बहुत से तजिया कारों के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल काफी खतरनाक है और पाकिस्तान का भी हाल श्रीलंका जैसा होने का खदशा है। इसी तरह बाबा वंगा ने भी 2023 का साल पाकिस्तान के लिए खतरनाक करार दे दिया है। बाबा वंगा की पेशन गोई के मुताबिक 2000 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा जंजरा आने का खदशा है, जिसमें काफी जिंदगी जा सकती हैं। दोस्तों, हम पहले भी देख चुके हैं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे जंजले आ चुके हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो सेंसर प्रेडिक्शन अबाउट डिफॉल्ट कंट्रीज 2023 और क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।